जी, तो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मजीद एमसीक्यूज का सिलसिला हम कंटिन्यू करते हैं। वंस अगेन हमारे पास जो है वो कुछ और एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में जो है वो आ चुके हैं, उनका यहाँ पर डिस्कशन होगा। इसमें हम सबसे पहले ये लास्ट वाला एमसीक्यूज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर बाकी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए स्पेस भी मिल जाएगी। देखिए, हमसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, उसका जनरल सोल्यूशन जो है वो डिमांड की जा रही है। ये एमसीक्यूज जो है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन की जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, इसका तरीका ये होता है कि हमेशा हम जो है जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाती है तो हम एक जैसे वेरिएबल्स को इक्वेशन के एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी अगर वाई एक तरफ है तो एक्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स वन के इक्वल है। हमने करना ये है कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स को इस तरफ ले आए, तो ये हो गया डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। अब उसके बाद होगा ये कि इंटीग्रल की साइन आप बोथ साइड अप्लाई कर दोगे। जब आप इंटीग्रल की साइन बोथ साइड अप्लाई करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी इंटीग्रल ऑफ डी वाई और राइट हैंड साइड बन जाएगी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ डी वाई मीन्स वन को इंटीग्रेट करना है, तो यकीनन यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वाई। राइट हैंड साइड की अगर मैं यहाँ मान लिख दूं तो यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि वन को इंटीग्रेट करना है, हो गया एक्स। और इस तरह से एक कांस्टेंट आपको मालूम है हमेशा इंटीग्रेशन में हम प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमें जो कहा गया था कि जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मालूम करें, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो है हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास जो है ये करेक्ट होगा। और आपको मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंटीग्रेशन की 6.10 और एक 6.11। तकरीबन आप पास पेपर्स के जितने भी ईयर उठाएंगे आपको तकरीबन हर साल इन दो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हुए नजर आएंगे। तो ये था सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। वीडियो में मैं दरमियान में पॉज इसीलिए दे दिया करता हूँ कि आप वहां पर वीडियो को रोक कर और उस एमसीक्यूज को जो है वो नोट कर लें, उसके बाद जो है फिर आगे एमसीक्यूज को आप दोबारा वीडियो को कंटिन्यू कर लिया करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते, इन हाइपरबोला सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हाइपरबोला में सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, बल्कि उससे पहले पैराबोला सॉरी एलिप्स को भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी हमें कैलकुलेट करनी होती थी एलिप्स में, अगर इसेंट्रिसिटी हमें एलिप्स में कैलकुलेट करनी होती थी तो हमारे पास जो रिलेशन होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। इसी तरीके से हाइपरबोला में हमने जब इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी होती थी तो रिलेशन पढ़ा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। बस यही डिफरेंस था कि यहां पर वन माइनस ई स्क्वायर होता था एलिप्स में और हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस वन। तो अब यहां पे अगर हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर को अगर मैं ए इंटू ई का होल स्क्वायर कर दूं, यानी एक स्क्वायर कर दिया बाद माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों को बता दिया था कि ए का और इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट जो है उसे हम सिंबल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर सी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट अगर मेमोराइज कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये नहीं याद है इन फॉर्म ऑफ ए बी सी तो आप यकीनन इस फॉर्मेट से ड्राइव कर सकते हैं। इसी स्टेप्स में बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट टीचर्स बात जो है वो इस तरह से इवेल्युएट करना सिखाते हैं, इसेंट्रिसिटी बात डायरेक्ट जो है इन फॉर्म ऑफ सी सिखाते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा हो, अगर आपने इस फॉर्मेट में पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको दोनों का इल्म होना चाहिए, इसलिए कि एमसीक्यू बनाने वाला किस फॉर्मेट में पूछना है ये आपको नहीं पता है। तो वरन हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर इस एमसीक्यू में सी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछा है तो यकीनन आपको ए को जो है वो उधर शिफ्ट कर देना होगा, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हमारे सेकंड एमसीक्यू का आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वंस अगेन कॉनिक सेक्शन से पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स से, एक जनरल पैराबोला गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि आप उसका वर्टेक्स मालूम करें। तो देखिए गिवन इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू एट इंटू वाई माइनस वन। ये जो प्लस है इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, मैं इसको मैं लिख दूं एक्स माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड मैं स्टिल लिख रहा हूं वाई माइनस वन। अब आप सिंपल इसे जो है वो जनरल पैराबोला से आप इसे कंपेयर कर लीजिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए इंटू वाई माइनस के। तो अब आपको कंपैरिजन से जो है वो पता चल जाएगा कि हमारे पास वर्टेक्स जो है जिसे हम एच कॉमा के से रिप्रेजेंट करते हैं किसके बराबर है। ये आप देख सकते हो कि h की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस थ्री कंपैरिजन में, और इसी तरह k की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। तो इस तरह से इस एमसीक्यू का आंसर माइनस थ्री कॉमा 1 होगा, यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज